मेट्रोनिडाजोल 100 ml इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो जीवाणुओं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर डीएनए के नुकसान को रोकता है। मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, मस्तिष्क में होने वाला जो संक्रमण है उसको दूर करने के लिए, त्वचा में होने वाला संक्रमण है, प्रजनन प्रणाली में होने वाला संक्रमण, पेप्टिक अल्सर यानी पेट के अंदर होने वाला जो अल्सर है उसकी समस्या के लिए, चेहरे के लाल होने पर लिकोरिया यानी महिलाओं में पाई जाने वाली सफ़ेद प्रदर की समस्या को दूर करने के लिए, मल में खून का आना, दांत दर्द, मसूड़ों में खून का आना, लूज मोशन, बैक्टीरियल वेजिनियोसिस और निमोनिया में पेट के कीड़े, एच पाइलेरी, अमीबियासिस, डीआरडीएसिस, वेजाइना कान के यानी वेजाइना के इन्फेक्शन, कान में होने वाला जो इन्फेक्शन है, गुर्दे में होने वाला जो इन्फेक्शन है, यूटीआई की समस्या है और साइनस का संक्रमण, इन सभी में मेट्रोनिडाजोल प्रयोग में लाया जाता है यानी इस ड्रिप को इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल 100 ml इंजेक्शन को प्रयोग में लाते समय जैसे जो गर्भवती में लेडीज हैं या फिर लिवर, गुर्दे, हृदय से जुड़ी समस्या, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, परदी न्यूरोपैथी की समस्या है, कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज है, इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको आप बिना डॉक्टर की राय से या फिर बड़ी सावधानी से आपको इस ड्रिप का इस्तेमाल करना है। इसके ड्रिप के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे यानी वेजाइना में सूजन, चमड़ी का लाल लाल दाने, डिप्रेशन, चुभन, त्वचा में गर्मी का महसूस होना यानी त्वचा का जलना यानी जलन टाइप में आपको महसूस होना, मुंह में धातु का स्वाद, अन्य तरीके का इन्फेक्शन, चक्कर आना, सूखी त्वचा, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, जी घबराने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी मेट्रोनिडाजोल को इस्तेमाल करते समय आपको एमोक्सिलिन, इस प्रकार की दवाएं आपको नहीं लेनी है। इसकी जो मार्केट रेट है 13 रुपये इसमें दी हुई है 100 ml इंजेक्शन की। आपको दांत दर्द या मसूड़ों में खून का आना या फिर लूज मोशन, पेट के कीड़े, कान में संक्रमण, साइनस में होने वाला जो संक्रमण है, तब आप इस ड्रिप को बिना डॉक्टर की राय से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें दिया हुआ है मस्तिष्क में होने वाला संक्रमण और पेप्टिक अल्सर, तो ज़्यादातर आप इस ड्रिप को लगाएं जब भी, यानी किस तरीके की जो समस्याएं होंगी आपको इस ड्रिप के साथ में, जैसे कान में संक्रमण यानी यूटीआई की समस्या है, मान लीजिए यूटीआई की समस्या है, आपने ये ड्रिप लगाई, ड्रिप लगाने के बाद में यूटीआई से जुड़े आपको ट्रीटमेंट, वो दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी आईवी, तब जाके ये फ़ायदा होगा। आपने ये ऐसे फ़ायदा नहीं होगा कि आपने केवल ड्रिप लगा दी और पेशेंट ठीक हो गया, यानी उसको चेहरे पर लाल है तो आप चेहरे पर लाल लाल दाने हैं तो आपको उसी के अनुसार एविल वगैरह जो आप देते हैं वो देना पड़ेगा, लिकोरिया की शिकायत है तो आपको उसी हिसाब से एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब यही है, अगर आप केवल ड्रिप के सहारे पूरा इन्फेक्शन ख़त्म करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।